आधार लिंक करना ही है, आज नहीं तो कल, श्योर करेगा? क्योंकि 2022 का ये साल का नवंबर तक हम लोग को ECI 80% तक टारगेट दिया, इसलिए कोर्ट का जैसा सैंक्टिटी हम लोग मेंटेन करता है, इसलिए हियरिंग मीन्स हियरिंग, फिजिकल अपीयरेंस वो अपेयर करना जरूरी है। नमस्कार, हमारे अरुणाचल के जितने भी जनता है, खास करके करादादी टेली कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग रहते हैं, बहुत से लोग का ये सोच विचार है कि कोई अपना आदमी आप भेजेंगे यहाँ पे एनरोल कराएंगे, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हम ADC से बात करेंगे। सर बताइए, लोग सोच रहे हैं कि अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी को भेजेंगे तो हो जाएगा, क्या कहेंगे इस विषय में? वैसा तो ये हियरिंग प्रोसेस एक कोर्ट ही है जी। फर्स्ट हम लोगों का ये लोएस्ट लेवल का कोर्ट है, जिसको हम रिजेक्ट करेगा उसका एपिलेट कोर्ट है, वो DO में जा सकता है। DO रिजेक्ट करेगा तो वो CO में जा सकता है, वहाँ भी रिजेक्ट होता है तो दिल्ली में ECI जा सकता है। ये कोर्ट है, इसलिए कोर्ट का जैसा सैंक्टिटी हम लोग मेंटेन करता है, इसलिए हियरिंग मीन्स हियरिंग, फिजिकल अपीयरेंस वो अपेयर करना जरूरी है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, लाइक कोई बच्चा है जिसका कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा है, वो एग्जामिनेशन स्केड्यूल जी, और वहाँ से इंस्टीट्यूट से कॉरेस्पॉन्डेंस, या कोई मेडिकली इल है, उसका कोई ट्रीटमेंट चला या डिलीवरी है जी, उसका मedical documents, कोई एग्ज़ाम है, SSB एग्ज़ाम है, APSS एग्ज़ाम है, या रेलवेज में एग्ज़ाम है, उसका स्केड्यूल देने से जब हम उसका डॉक्यूमेंट चेक करेगा एलिजिबल है, उसमें हम लोग कुछ कंसिडर भी किया जाता है, देर आर provisions। उसका अलावा तो बाकी को सबको हियरिंग में आना ही पड़ता है जी। ये आखिरी सवाल ये है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि आधार कार्ड लिंक होगा नहीं होगा, डबल होगा, मतलब डबल कोई कोई जगह में लोग सोच रहे हैं कि डबल कराएंगे इसलिए लिंक नहीं करा रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना है, खास करके हमारे ताली एरिया के लोग? ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिक प्रॉब्लम है, अरुणाचल एंटायर अरुणाचल में ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी का आधार लिंक है जो सबसे लोएस्ट है। लो इसलिए है कि यहाँ में डेवलपमेंटली थोड़ा बैकवर्ड, कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का वजह से ज़्यादातर वहाँ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उन लोग सेटल है, तो वहाँ पर भी उन लोग एनरोल किया है, वो हमको भी पता है। अभी आधार लिंकेज जब शुरू हो गया, उन लोग सोच रहा है कि डबल फैसिलिटी लेना है, ईटानगर में भी MLA बनाना है, यहाँ में भी MLA बनाना है, दोनों जगह दो पाव को दो नाव में लगा के चलेगा सोचता है। ये बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा, ये गलत प्लानिंग है। आधार लिंक करना ही है, आज नहीं तो कल, श्योर करेगा? क्योंकि 2022 का ये साल का नवंबर तक हम लोग को ECI 80% तक टारगेट दिया आधार लिंक के लिए, बाय जनवरी 2023 टू 100% होना चाहिए, तो अभी तक बहुत लोग आगे नहीं आ रहा है। वो लोग अभी भी सोच रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए वो बहाना करके कोई कोई लोग एजुकेटेड वाला लोग बोलता गांव लोगों को मिसगाइड करके डिले करा रहा है। बट ये चीज़ को जानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली आधार, आपका आइडेंटिटी को इसमें एक बार टैली करने के लिए सचमुच वो आदमी है नहीं कि नहीं, तो उसके लिए आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है, बैंक अकाउंट, आपका मनरेगा का जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट ID कार्ड, देर आर अदर डॉक्यूमेंट्स विच द ECI इज इंसिस्टिंग। तो आप लोग सोचिए, ये सब डॉक्यूमेंट में सब आधार लिंक होता ही है। आप बैंक अकाउंट बिना आधार का नहीं बना सकता है, आप मनरेगा जॉब कार्ड में भी आधार लिंकेज है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ भी तो आपका आधार लिंकेज है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट होने से, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे एवरी ईयर उन लोग आधार मांगता है रिपीटेटिव, हम जिंदा होने से भी उन लोग कन्फर्म करते हैं आइडेंटिटी को, वेदर वो एक्सिस्टेंट है ना नहीं है। तो इस एंगल से मेरा क्लियर कट मैसेज है, खास करके हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितने भी इलेक्टर्स है, कि आप लोग ज़्यादा वो डबल फ़ायदा लेने का चक्कर में मत रहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 इलेक्शन में आपको वोट कास्ट नहीं भी करने का मौका मिल सकता, धोबी का कुट्टा भी बन सकता है जी, जी। और दूसरे बात, हमारा मोदी सरकार का जो हमने जितना तक जांच पड़ताल किया है, तो भाजपा सरकार के अंदर में मोदी का क्लियर कट प्लान है, आने वाला सालों में इलेक्शन प्रोसेस पूरा बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक इसीलिए आधार को ले रहा है लिंकेज। आप पोलिंग स्टेशन में नेक्स्ट टाइम, अभी जो हम लोग बैलेटिंग यूनिट में जो दबाता है वो पूरा मशीन्स चेंज होने वाला है, आप जब आएगा आप अपना उंगली दबाएगा आपका डेटा टिक टाक है और एक्सेप्ट करेगा वोट, नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं होगा, वो सिस्टम आने वाला है।
और बहुत जल्द वो बूट कैप्चरिंग, वो मशीन को तोड़ फोड़, वो सब कल्चर सब खत्म होने वाला है। इसीलिए देर नहीं करके मेरा अपील है कि आप लोग तुरंत आधार लिंकेज कीजिए। धन्यवाद सर हमने जुड़ने के लिए। तो अंत में हम ये कहेंगे कि खास करके ताली कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी गांव में लोग रहते हैं, आप ईटानगर में और अपना ये ताली में डबल बिल्कुल नहीं होगा। एडीसी की तरफ से साफ कहना है, कहीं ना कहीं अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आप देख रहे हैं अरुणाचल समाचार। धन्यवाद।